The probe into the tragic deaths of three civil service aspirants at Delhi's Rao's IAS coaching center has intensified. Cops are scrutinizing CCTV images, mobile phone recordings and versions of students and faculty to find what led to the disaster. The Home Ministry has formed a committee to investigate the tragedy. The probe will find what led to the tragedy and how to prevent recurrence. In continued crackdown, AAP Mayor Shelley Oberoi personally inspected and sealed multiple illegal basements. पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। However, there is a bizarre twist in the ongoing probe. The arrest of Manoj Kathuria, the driver of an SUV who drove through the flooded lane outside Rao's IAS study circle. He's accused of pushing a surge of water into the coaching center's illegal basement. He's currently in 14 days of custody, facing charges of death by negligence, voluntary causing hurt, and culpable homicide not amounting to murder. Kathuria's family says his arrest is an attempt to shield the big fish. हमारा ये कहना था आज कोर्ट के अंदर कि वहाँ पे जो सबसे पहला नेग्लिजेंस है वो उस आदमी का नेग्लिजेंस है जो वहाँ पे बेसमेंट के अंदर पे एक लाइब्रेरी चला रहा था। तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो इस इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का, वो लाइब्रेरी चलाना था जो इलीगल था। दूसरा हमारा आर्गूमेंट था कि अगर वाटर लॉगिंग है तो एक सिविक अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग ना हो। अगर उस रोड के ऊपर कोई गाड़ी चला के जा रहा है जिस बिल्डिंग उस रोड के ऊपर जो बिल्डिंग सिचुएटेड है उसके अंदर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है तो इस आदमी को एक लायबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट्स मीनवाइल कंटिन्यू टू हिट द स्ट्रीट्स। हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए। हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस दो मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं। आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे। दिल्ली पुलिस जहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए रहती है, वहाँ उल्टा ये छात्रों के असुरक्षा के लिए काम कर रही है। यहाँ छात्र किस डिमांड को लेकर आए थे? ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाए, हम सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन सरकार के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस का इस तरीके का बर्ताव बिल्कुल ही सोचने लायक नहीं है। बिल्कुल On Tuesday morning, the mortal remains of UPSC aspirant Nevin Dalvin arrived in Thiruvananthapuram. Kerala Governor Arif Mohammed Khan paid his last respects. How long before justice is ensured for our students?